जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, हमारे पास टोयोटा कंपनी की इनोवा गाड़ी आई हुई है। तो इसका फ्रेंड प्रॉब्लम क्या है, जब हम गाड़ी राइड करते हैं तो जब स्टीयरिंग राइट और लेफ्ट मारते हैं ना, तो स्टीयरिंग में साउंड आता है। तो आपको हम साउंड गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं कैसा साउंड है, उसके लिए हम क्या क्या काम करेंगे साउंड बंद करने के लिए। तो सर गाड़ी स्टार्ट कीजिए। स्टीयरिंग राइट लेफ्ट मारिए। सुन सकते हैं फ्रेंड आवाज, ये देखिए इसका साउंड कैसा आ रहा है। ये देखिए जब हम स्टीयरिंग राइट लेफ्ट मारते हैं तो हमारा पावर स्टीयरिंग पंप जो है ऑफ साउंड कर रहा है, क्योंकि तो फ्रेंड इसमें देख सकते हैं इसमें ऑयल कम है। ऑयल कम से कम मैक्सिमम तक रहना चाहिए, देख सकते हैं ऑयल लेवल कम है। तो हम सबसे पहले तो इसका स्टीयरिंग रैक चेक करेंगे कि हमारा स्टीयरिंग रैक से ऑयल लेवल किधर लीक तो नहीं है। तो उसके बाद आपको दिखाते हैं, बस बंद कीजिए। तो फ्रेंड इसका सबसे पहले तो हम पाइपलाइन जो है इधर से वो चेक करेंगे कि किधर से ऑयल वॉयल लीकेज नहीं है। अगर नहीं रहेगा तो हमारा 100% स्टीयरिंग रैक से ही रहेगा। तो हम सबसे पहले तो इसको जो भी है चेक कर देंगे बराबर तरीके से, और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसका ऑयल कहाँ से लीक है और ये डब्बे में ऑयल क्यों कम है और ये पंप जो है हमारा क्यों साउंड कर रहा है। क्योंकि फ्रेंड क्या रहता है, पंप को बराबर प्रॉपर ऑयल नहीं मिलेगा तो इसका पंप जो है स्टीयरिंग पंप वो आवाज़ करेगा। तो आप देख सकते हैं ऑयल लेवल भी कम है, तो इसलिए हम सबसे पहले तो एक दोनों व्हील ओपन करेंगे। ओपन करके इसको स्टैंड पे लेकर उसके बाद इसको चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है कि ऑयल कम होता है और पंप हमारा आवाज़ करता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड का स्टीयरिंग बॉल एंड आता है, वो साइड में किट आता है स्टीयरिंग का रैक का। तो किट मेरे ख्याल से लीक हो गया है, इसकी वजह से देख सकते हैं लेफ्ट साइड से ऑयल बाहर गिर रहा है। देख सकते हैं ये पूरा हमारे स्टीयरिंग रैक गिल्ला है। तो हम इसका स्टीयरिंग रैक बाहर निकालेंगे। हमने इसका टायर वर खोल के ओपन किया है, देख सकते हैं इसका एंड भी हमने ओपन किया है। तो हम इसका स्टीयरिंग रैक बाहर निकालेंगे। और फ्रेंड और एक बात है, आपको स्टीयरिंग रैक बाहर ओपन करने से पहले आपको अगर गाड़ी में एयरबैग दिया है तो सबसे पहले आप इसका एयरबैग ओपन कर लीजिएगा, नहीं तो आप स्टीयरिंग बाहर निकालेंगे तो आपका एयरबैग का जो, ये देख सकते हैं हमने इसका एयरबैग बाहर लिया है, नहीं तो अगर समझ लीजिए आपने स्टीयरिंग पहले निकाल दिया, ये स्टीयरिंग व्हील आपने नहीं निकाला तो आपका एयरबैग जो है वो टूट जाएगा। ये हॉर्न का रेल का पट्टी आता है, ये रेल जो है आपका, अगर आपने समझ लीजिए खोल दिया है, किसी ने स्टीयरिंग इधर उधर कर दिया तो आपका हॉर्न नहीं बजेगा तो आपको भारी फटका पड़ सकता है। इसके लिए कभी भी स्टीयरिंग खोलने से पहले स्टीयरिंग व्हील को बाहर निकाल कर आप छोड़ दीजिएगा। तो हमने इसका स्टीयरिंग व्हील बाहर निकाल लिया है, देख सकते हैं, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील आप बाहर निकाल लेंगे तो इसको कोई छेड़ेगा नहीं, ठीक है। इसको हम आपको लगाने का भी सिस्टम बताएंगे कि अगर आपने बाहर निकाल लिया है तो किस तरह कितने पोजीशन पर रख कर इसको व्हील लगाइएगा। तो अभी तो हम फिलहाल स्टीयरिंग रैक बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आपको स्टीयरिंग रैक बाहर निकाल कर क्लियर दिखाते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने इसका रैक बाहर ले लिया है, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ से इसका ऑयल लीक हो रहा था, यहाँ पे फ्रेंड किट आता है, ऑयल सील कट गया रहेगा, इसके लिए यहाँ से इसका स्टीयरिंग रैक बाहर स्टीयरिंग ऑयल बाहर आ रहा है, ठीक है। तो हम इस स्टीयरिंग रैक को रिपेयर करेंगे, रिपेयर करके और उसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारा स्टीयरिंग रैक जो है हमने रिपेयर करके ला दिया है। इसमें फ्रेंड देख सकते हैं हमने स्टीयरिंग का दोनों बूट रिप्लेस किया क्योंकि फट गया था, और ये हमारा टायर रॉड आता है इसे भी हमने रिप्लेस किया है। फ्रेंड इसके अंदर किट आता है, ये जब आप बूट उट निकालेंगे इसको स्टीयरिंग रैक छोटा करेंगे तो इसके अंदर किट आता है, किट कट गया था, इसके वजह से हमारे स्टीयरिंग का जो ऑयल है यहाँ से बाहर आ रहा था, बूट द्वारा बाहर गिर रहा था। तो इसके लिए हमने इसका स्टीयरिंग रैक का बूट भी किट भी रिप्लेस किया है और दोनों बूट भी रिप्लेस किया है, टायर रॉड भी रिप्लेस किया है। तो अब हम आपको ये गाड़ी में फिट करेंगे और फिट करके फिर इसका साउंड सुनाएंगे कि जो हमारा साउंड का कंप्लेंट था, ऑयल लीकेज का कंप्लेंट था, वो हमारा सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है।
तो हम आपको दोनों चीजें इसमें दिखाएंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा स्टीयरिंग फिट हो रहा है, देख सकते हैं इसका हमने जो स्टीयरिंग का पाइप आता है वो भी फंसा दिया है, दोनों पाइप भी टाइट कर दिया है, देख सकते हैं हमारा अंसारी जी इसका पाइप टाइट कर रहे हैं। स्टीयरिंग का जो बोल रहा था है वो 17 नंबर का, उसको फाइनल टाइट मार रहे हैं। तब ये होने के बाद हम इसका जो एंड ओपन किए हैं नेकल से, उस एंड को दोनों बाजू फंसाएंगे और उसके बाद फिर इसमें आयल डालेंगे पावर स्टीयरिंग का, और उसके बाद फिर गाड़ी स्टार्ट करके फिर चेक करेंगे कि जो हमारा आयल लीकेज का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं, और जो आवाज़ आ रहा था हमारा जो पावर स्टीयरिंग पम्प बहुत आवाज़ कर रहा था वो आवाज़ बंद हुआ कि नहीं। तो फ्रेंड देख सकते हैं हमारा पावर स्टीयरिंग रैक पूरी तरह से फिट हो चुका है, हम पावर स्टीयरिंग का ऑयल डाल रहे हैं पावर स्टीयरिंग के कंटेनर में, तो इसमें हम ऑयल डालकर फिर गाड़ी स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करके चेक करेंगे जो हमारा साउंड का कंप्लेन था वो सॉल्व हुआ कि नहीं, तो हम आपको दिखाते हैं स्टार्ट करके। फ्रेंड इसका स्टीयरिंग रैक से ऑयल लीक था, स्टीयरिंग रैक का जो सील आता है वो कट चुका था, इसके लिए लेफ्ट साइड का जो बॉल जॉइंट आता है उसके बूट के अंदर से इसका ऑयल टॉप अप होता था, गिरता था और गिर के स्टीयरिंग ऑयल कम हो जाता था, इसके लिए इसका पंप जो है पावर स्टीयरिंग पंप वो आवाज़ करता था। तो हमने इसका स्टीयरिंग रिपेयर किया है और रिपेयर करके अभी हमने गाड़ी में फिट किया है, देख सकते हैं हमने गाड़ी में फिट कर दिया है। इसका हमने दोनों स्टीयरिंग का बूट भी रिप्लेस किया है, देख सकते हैं इसका एक साइड का टायर रॉड भी रिप्लेस किया है, इसका बूट फट गया था करके। अच्छा जी गाड़ी स्टार्ट कीजिए, थोड़ा पावर स्टीयरिंग ऑयल लाइए। तो फाइनली देख सकते हैं फ्रेंड हमने इसमें ऑयल टॉप अप कर दिया है और हमने गाड़ी भी स्टार्ट किया है, थोड़ा सा ऑयल टॉप अप कीजिए। बस कीजिए ठीक है। तो हमने इसका पावर स्टीयरिंग रैक ओपन एंड फिटिंग किया था क्योंकि इसका ऑयल स्टीयरिंग से लीक था, तो अभी हम आपको दिखाएंगे, हमने गाड़ी स्टार्ट करके रखा है तो हम इसको चेक करेंगे कि कहीं से हमारा पावर स्टीयरिंग ऑयल लीक तो नहीं है ना। तो देख सकते हैं फ्रेंड हमने इसका दोनों स्टीयरिंग बूट रिप्लेस किया था क्योंकि ये फट गया था, तो देख सकते हैं फ्रेंड ये हमारा रैक पूरी तरह से प्रॉपर फिट हो चुका है। तो हम फ्रेंड क्या करेंगे इसको थोड़ा रैम पे लेकर नीचे से पूरा पानी मार कर थोड़ा और वॉश करके उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके फिर एक बार चेक कर लेंगे लीकी, ठीक है। तो अभी हमारा ये स्टीयरिंग रैक फिट हो चुका है, देख सकते हैं हमने गाड़ी स्टार्ट भी करके रखा है, ठीक है। इसका दोनों व्हील भी हमने लगा दिया है, ठीक है। इसका व्हील डाउन कर दीजिए, इसको हम लोग रैम पे लेकर और नीचे से पानी से वॉश करके और उसके बाद इसको गाड़ी को आधा एक घंटा स्टार्ट करके नहीं तो टेस्ट ड्राइव लेकर उसके बाद रैम पे लेकर के एक बार चेक कर लेंगे लीकेज नहीं है ना कहीं से, फिर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले तो एक और इसमें आपको हमको बताना है, देखिए हमने दोनों व्हील को हाइट पे रखा है, तो हम सबसे पहले तो इसका व्हील डाउन करेंगे और दोनों व्हील को सेंटर में रखकर एकदम, और इसका हमने एयरबैग ओपन किया है, ये देख सकते हैं रैक ओपन करने के लिए, तो हमने इसका एयरबैग ओपन किया है, तो हम इसका सेंटर पे रख के और इसका एयरबैग किस तरह लगाते हैं, किस पोजीशन पे कितने पे लगाना चाहिए वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका व्हील डाउन कर लेते हैं, गाड़ी का दोनों व्हील एकदम सेंटर पे करके और उसके बाद हम आपको इसका एयरबैग लगा के टाइट पकड़ के रखिए, तो नज़दीक लाइए कैमरामैन, ये देख सकते हैं ये बाजू देखिए, ये बाजू देखिए, देखिए थोड़ा थोड़ा गैप है, ठीक है, ये हम टच कर रहे हैं, देखिए इधर भी गैप नहीं है, इधर भी हमारा गैप नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप अलाइनमेंट मिलाइएगा, ठीक है, दोनों बाजू एकदम प्रॉपर तरीके से टच होना चाहिए, जब इधर टच होएगा तो आपका रस्सी इधर भी टच होना चाहिए, तो इसका मतलब अलाइनमेंट हमारा एकदम ओके है, ठीक है। तो ये हमारा व्हील का अलाइनमेंट हो गया स्टीयरिंग का, ठीक है फ्रेंड। तो हम अब इसका स्टीयरिंग व्हील लगाएंगे जो हमने एयरबैग ओपन किया था, तो भी हम आपको दिखाते हैं।
ये हमारा देख सकते हैं स्टेयरिंग ओपन करने के लिए हमने इसका एयरबैग निकाला था और स्टेयरिंग का व्हील ओपन किया था। तो ये फ्रेंड इसमें एयरबैग में सेटिंग आता है, आप कभी भी स्टेयरिंग निकालेंगे तो ये नहीं कि आप कहीं भी इधर उधर करके इसको लगा दीजिए, नहीं तो आपका जो एयरबैग का हॉर्न का पट्टी है तो टूट जाएगा। ठीक है, तो हम इसको आपका आपको बताते हैं कि इसका कितने पे सेटिंग करके कितने पे आपको स्टेयरिंग व्हील लगाना है। सबसे पहले इसको लगाने के लिए दोनों साइड का व्हील एकदम सीधा कर लीजिएगा जैसे हमने अलाइनमेंट चेक किया है। अब हम आपको इसको दिखाते हैं, देख लीजिए टोटल कितना राउंड घूमता है। पहले एक साइड किधर भी पूरा टच कर दीजिए, लेफ्ट या राइट, ये हमारा हो गया। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ से आप काउंट कीजिएगा ये पोजीशन से, ये आपका हो गया एक राउंड, ये हमारा हो गया दो राउंड, ये हमारा हो गया तीन राउंड, ये हमारा हो गया चार राउंड, ये हमारा हो गया पांच राउंड और ये होएगा सवा पांच राउंड। ठीक है फ्रेंड, देख सकते हैं सवा पांच राउंड। तो इसको आपको पौने तीन पे रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हम आप काउंट करेंगे, ये हो गया हमारा एक राउंड, ये हो गया हमारा दो राउंड, ठीक है फ्रेंड, और ये हो गया हमारा ढाई राउंड और ये हो गया पौने तीन राउंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेट कर, यहाँ पे आपको इसे बिंदास लगा देना है। ठीक है फ्रेंड, ये देख सकते हैं हमारा स्टीयरिंग व्हील का पोजीशन भी सेट एकदम ओके है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमने स्टीयरिंग व्हील लगा दिया है। अब हम इसका एक टेस्ट ड्राइव लेंगे कि हमारा स्टीयरिंग थोड़ा राइट में है कि लेफ्ट में है, फिर हम स्टीयरिंग व्हील सीधा करके फिर इसका एयरबैग फिट कर देंगे तो हमारा ये ओके हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एयरबैग है, देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसका एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव लेंगे, टेस्ट ड्राइव लेके फिर हम इसका स्टीयरिंग का व्हील सीधा करेंगे। अभी हम ट्रायल मार के देखेंगे कितना आउट है हमारा स्टीयरिंग, उसके हिसाब से हम स्टीयरिंग सीधा करके फिर एयरबैग फाइनल लगा देंगे, हमारा ये कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको टेस्ट ड्राइव पर लेके जाते हैं। तो फाइनली फ्रेंड देख सकते हैं हम अभी गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो हम रनिंग में इसका स्टीयरिंग चेक करेंगे कि हमारा कितना रॉन्ग है करके और उसको सीधा करेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा स्टीयरिंग भी सीधा है, हमने भी स्टीयरिंग छोड़ दिया है। देख सकते हैं हमारा स्टीयरिंग गाड़ी राइट लेफ्ट में किधर जा नहीं रहा, एकदम सीधा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो हमने अलाइनमेंट रस्सी से किया था, देख सकते हैं हमारा स्टीयरिंग का भी एकदम सेंटर में है और हमारा अलाइनमेंट भी बराबर है, हमारा गाड़ी लेफ्ट राइट कहीं भी नहीं जा रहा है, इसका मतलब हमारा गाड़ी एकदम ओके, पूरी तरह से प्रॉपर ओके है। तो हम इसका एयरबैग अभी लगाएंगे और एक बार एयरबैग लगा के फिर से एक बार टेस्ट ड्राइव मारेंगे। तो फ्रेंड हमने स्टीयरिंग व्हील टाइट कर दिया है, अब इसका एयरबैग लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम गाड़ी बंद कर लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड हमारा हॉर्न भी बज रहा है, अगर वो प्रॉपर तरीके से सेंटर में नहीं मिलाया रहता तो हमारा जो हॉर्न है वो नहीं बजता है। तो आप देख सकते हैं हमारा हॉर्न भी बज रहा है, हमारा हॉर्न बजने में कोई किसी प्रकार कोई तकलीफ नहीं दे रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा एयरबैग लग चुका है। ये देख सकते हैं हमारे मीटर पे एयरबैग का लाइट भी नहीं आ रहा है। देख सकते हैं गाइस, हमने इसका गाड़ी स्टार्ट करके रखा है, देख सकते हैं हमने एयरबैग भी लगा दिया। अगर हमारा एयरबैग फिटिंग करने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम रहता तो यहाँ पे तुरंत एयरबैग का लाइट आ जाता था। देख सकते हैं हमने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट किया वैसे एयरबैग का लाइट ऑटोमेटिक चला गया। तो ये हमारा गाड़ी मतलब प्रॉपर तरीके से ओके है। आपको हमने जितना बताया था पौने तीन राउंड पे इसको लगाइएगा। तो हम एक और छोटा सा टेस्ट ड्राइव लेंगे और स्टीयरिंग जरा चेक कर लेंगे फिर से प्रॉपर तरीके से कि हमारा सीधा है कि नहीं, क्योंकि हमने एयरबैग फिट नहीं किया था। इसके लिए आपको लोगों को नहीं समझ में आएगा, अब एयरबैग फिट करके एक बार ट्रायल मारते हैं।
देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमने एयरबैग लगा के ट्रायल मार रहे हैं। देख सकते हैं हमारी शेयरिंग भी सीधा है और हमारा गाड़ी लेफ्ट राइट भी नहीं जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, स्टीयरिंग कैसा है? स्टीयरिंग अभी आप लोग के सामने हमने इसका टेस्ट ड्राइव लिया है फ्रेंड, तो स्टीयरिंग भी आपको हमने दिखाया था, स्टीयरिंग भी हमारे सेंटर में है, हमारा लेफ्ट राइट गाड़ी भी नहीं जा रहा है, तो गाड़ी इसका मतलब हमारा प्रॉपर तरीके से ओके है। तो इस गाड़ी में कोई किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप साउंड भी सुन सकते हैं, गाड़ी का साउंड भी नहीं आ रहा है। बस एक और चीज फ्रेंड करने का है, अब इसको हम रैंप पे लाए हैं तो थोड़ा हम गाड़ी उठाकर फिर आपको नीचे से लीकेज चेक करा देते हैं कि लीकेज है कि नहीं है, उतना आप चेक कर लीजिए, इतना टेस्ट कर लेंगे, हमारा गाड़ी का गाड़ी प्रॉपर तरीके से ओके हो जाएगा, फिर गाड़ी को वॉश करके हम कस्टमर को डिलीवरी दे देंगे। ठीक है, तो हम आपको दिखाते हैं इसको, गाड़ी को रैंप पे लेकर के और आपको नीचे से चेक कराते हैं कि देखिए हमारा स्टीयरिंग रैक मतलब लीकेज है या नहीं है। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, हम इसका ट्रायल मार के आए थे इनोवा का, तो हमने इसको रैंप पे लिया है लीकेज टेस्ट करने के लिए। देख सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं हमारा रैक पूरी तरह से सूखा है, ये देख सकते हैं इसका पाइपलाइन भी पूरी तरह से सूखा हुआ है, कहीं से कुछ लीकेज नहीं है। यह हमारा लेफ्ट साइड का बूट भी देख सकते हैं, पहले हमारे लेफ्ट साइड के बूट से पूरा आता था ऑयल बाहर, ये देख सकते हैं भी पूरा सूखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम जो था हमारा सॉल्व हो चुका है, अब किसी पर कोई भी ऑयल लीकेज नहीं है, देख सकते हैं आप, यहाँ से भी आपको दिखा देते हैं, देखिए इसका जो पाइपलाइन है वो भी पूरी तरह से सूखा है, ये देख सकते हैं, ये हमारा राइट साइड का भी बूट पूरी तरह से सूखा हुआ है। ठीक है, तो डाउन कर दीजिए, तो हम अब गाड़ी को डाउन कर देंगे। अगर आप लोग को हमारा ये टोयोटा इनोवा का स्टीयरिंग रैक का वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए।